हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस चैनल का होस्ट फैजान। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और आप सभी के लिए हमेशा अलग अलग मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूं। आज मैं एक लोशन की जानकारी लेकर आया हूं जिसका नाम है डोसेटिल। आज हम इस डोसेटिल लोशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसको कैसे उपयोग करना है वो जानेंगे और साथ में इस लोशन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस डोसेटिल लोशन को जो है ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है डेसोनाइड 0.05% वेट बाई वेट की मात्रा में है। ये डेसोनाइड जो है दोस्तों वो एक तरह का एस्ट्रॉइड होता है जो कि एक तरह के केमिकल मैसेंजर जो इन्फ्लामेशन या फिर एलर्जीज को बढ़ाते हैं उन तरह के केमिकल मैसेंजर के प्रोडक्शन को ये कम कर देता है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन या फिर एलर्जीज की समस्या से राहत मिलती है। तो चलिए अब जल्दी से ये जानते हैं इस डोसेटिल लोशन का उपयोग जो है किस किस कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जिस कंडीशन में इस डोसेटिल लोशन का उपयोग किया जाता है वो है इचिंग की समस्या में। अगर किसी को एक्जिमा की समस्या है या फिर सोरियासिस की समस्या है या फिर कोई और समस्या है स्किन से संबंधित जिसमें काफी ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तब उस कंडीशन में इस डोसेटिल लोशन को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये इचिंग की समस्या को दूर करने में काफी ज्यादा असरदार होता है। अगला जिस कंडीशन में इस डोसेटिल लोशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है इन्फ्लामेशन की समस्या में। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे फोड़े फुंसी की समस्या हो जाती है या फिर कहीं पे रेड स्पॉट देखने को मिलता है तो उनको वहां पे काफी ज्यादा जलन देखने को मिलता है तब भी उस कंडीशन में इस डोसेटिल लोशन को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जलन जैसी समस्या को भी काफी ज्यादा दूर करने में असरदार होता है। बच्चों को दोस्तों अक्सर क्रेडल कैप की समस्या देखने को मिलती है, उनके स्काल पे जो है येलोइश कलर का एक लेयर बन जाता है या फिर वहां पे रेड स्पॉट देखने को मिलता है जो कि उनको काफी ज्यादा इरिटेट भी करता है। तो उस समस्या में क्रेडल कैप की समस्या के ट्रीटमेंट में भी इस डोसेटिल लोशन को जो है कभी कभी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से ये जानते हैं इस डोसेटिल लोशन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस डोसेटिल लोशन का उपयोग जो है अक्सर रात को सोने से पहले करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है या फिर अगर किसी की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है तो उनको इस लोशन का उपयोग दिन में दो बार भी करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जा सकता है। आपको ठीक उसी तरह इस लोशन का उपयोग करना चाहिए जिस तरह आपको इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। कभी भी दोस्तों आपको इस लोशन का उपयोग खुद से नहीं करना चाहिए, खासकर बच्चों को उपयोग करने से पहले आपको हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए क्योंकि बच्चों की स्किन जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनको एलर्जिक रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है दोस्तों इस डोसेटिल लोशन के उपयोग करने से आपको इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि किसी किसी की स्किन पर रैशेस भी पड़ सकते हैं या फिर किसी किसी को बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। ये सारी समस्या जो है अपने आप ठीक हो जाती है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आपके स्किन पर देखने को मिले तो आपको इस डोसेटिल लोशन का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। ये 30 ml डोसेटिल लोशन की जो प्राइस है दोस्तों वो है ₹167.50। समय और क्वांटिटी के अनुसार इसकी प्राइस वेरी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।